नमस्कार, दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है बीआईएस। इसका पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के निर्धारण के लिए एक संस्था है। इसका मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है और विभाग उपभोक्ता मामले विभाग है। बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता पूर्व, दक्षिण चेन्नई, पश्चिम मुंबई, उत्तर चंडीगढ़ और मध्य दिल्ली में स्थित हैं। अब जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। पहले इसे भारतीय मानक संस्थान यानी आईएसआई के रूप में जाना जाता था। यह तत्कालीन उद्योग और आपूर्ति विभाग के तहत 3 सितंबर 1946 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। सांविधिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 1986 के तहत 1 अप्रैल 1987 को हुई थी। इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत 12 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। अब जान लेते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। मानकीकरण, मुहरांकन और सामान की गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों का सुमेलित विकास करना, मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के माध्यम से सुरक्षित और विश्वसनीय गुणवत्ता पूर्ण वस्तु प्रदान करना, उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य जोखिम कम करना और निर्यात और आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करना। अब देख लेते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। बीआईएस के प्रमुख कार्यों में शामिल है मानक निर्धारण, उत्पादन प्रमाणन योजना, विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना, हॉलमार्किंग योजना, प्रयोगशाला सेवाएं, प्रयोगशाला मान्यता योजना और भारतीय मानकों की बिक्री। आइए नजर डाल लेते हैं इसके संगठन पर। ब्यूरो के अध्यक्ष पदेन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष पदेन इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं। इसमें केंद्र या राज्य सरकारों, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों और उपभोक्ता संगठनों के कई सदस्य शामिल होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।